प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गुना में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लक्ष्मीगंज में आम सभा को संबोधित किया। इस सभा के दौरान पूरे समय उनके शब्दों में केवल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ही छाए रहे। उन्होंने मंच पर से सवाल किया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने संबल योजना में लोगों के नाम काट दिए और लाडली लक्ष्मी योजना तथा कन्याओं के विवाह का पैसा भी खा लिया। मंच पर से उन्होंने आचार संहिता के होते हुए भी कई सारी योजनाओं के बारे में बता डाला। मंच पर से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो गुना का विकास और हो सकेगा। शिवराज सिंह चौहान यहां नहीं रुके और उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह प्रदेश में भी भाजपा का ही राज है, तो ऐसे में कांग्रेस के लोगों को जीत आने से क्या फ़ायदा। शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 1.5 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा नौकरी देने की बात भी मंच पर से कही। शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन के बाद जैसे ही विमान से उतरे तो जगह जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पैरों में दिखाई दिए। वहीं इस सभा के दौरान भी मीडिया को कवरेज करने से भी रोका गया। आम सभा के दौरान मतदाताओं से ज्यादा भीड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही। जन कल्याण के काम चलेंगे, आपकी जिंदगी बदलने के अभियान पे हम निकले हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि जितनी योजना मैंने बताई और नहीं भी बता पाया, एक बात मैं बच्चों को जरूर कहना चाहता हूँ, मेरे बेटा बेटियों, आजादी के बाद बड़ा स्वतंत्र हुआ तुम्हारे साथ, बड़ी पढ़ाई मेडिकल की इंजीनियरिंग की काय में होगी, बोले अंग्रेजी में होगी। अब कुछ लोगों के बच्चे तो अंग्रेजी पढ़ ले, किसान के बेटा अंग्रेजी कहां से सीखे, गरीब के बेटा बेटी अंग्रेजी कहां से सीखे। अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजों की गुलामी यही छोड़ दी। तेज होने के बाद भी हमारे बेटा बेटी अंग्रेजी नहीं जानने के कारण पढ़ाई में पीछे रह जाते थे, अंग्रेजी का खौफ उनको खाया जाता था, मेडिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा सिलेक्ट नहीं होते थे। आज मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश में नई क्रांति होने वाली है। अब सारी पढ़ाई मेडिकल कॉलेज की भी, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी हिंदी में करवाऊंगा, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं। धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, किसान के बेटा बेटी भी आगे आएंगे। ये तो गुलामी है कई साल, आजादी के 75वें साल में ऐसी गुलामी हम खत्म करेंगे। एक नया जमाना आया है, आजादी 75 के युग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस तो हर जगह साफ होती चली जा रही है। और इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि जितने काम मैंने बताए, चाहे वो विकास के हो और चाहे वो लोगों को लाभ पहुंचाने के हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, स्ट्रीट वेंडर हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, पीएम सीएम किसान सम्मान निधि हो, इन सब योजनाओं का पैसा नगर पालिका के माध्यम से आपको भेजने का हम काम करते हैं। और इसलिए कमलनाथ तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण, किसान कल्याण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 10,000 रुपया हर किसान को मिलते। आज मेरी सहेलियां बहनें मिली थी, मेरी सहेलियां बहनों, 1,000 रुपया मामा देता था, ये कांग्रेस और कमलनाथ तो गरीब सहेलियां बहनों के 1,000 रुपया महीना के भी खा गई। उल्टा तो बंद कर दिया ही नहीं, अब हमने फिर से चालू कर दिए। अगर ये भलाई के काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, मुझे ग्वालियर भी जाना है। एक तरफ जनता के कल्याण के काम और दूसरी तरफ विकास के काम, इसी गुना शहर के लिए मैंने 25 करोड़ रुपया मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पर दिया था जब मैं पहले 18 तक मुख्यमंत्री था। काम अगर गिनाए तो गुना की सड़कें हो, गुना की गलियां हो, गुना के स्कूलों पर पुलिया हो, अगर पेयजल की व्यवस्था हो, अगर सारे काम किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। बताओ कांग्रेस ने इतने काम किए थे क्या विकास के? कभी जोर से किए थे क्या? और जो विकास भी चाहिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी। अच्छा कांग्रेस कहां से विकास करेगी बताओ?
सरकार मरकार तो है नहीं, दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री है, यहाँ आपके आशीर्वाद से फिर से मामा बन गया है, तो कांग्रेस करेगी काय ने विकास? उनके पास कुछ है ही नहीं। हमारे गांव में कहावत है, ना ढोल में ना मदरिया में, ना दिल्ली में ना भोपाल में, तो करेंगे क्या अगर बन गए? मुझे बहुत प्रसन्नता है, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव हुए, आज के 8 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सरपंच जीत रहे हैं, हमारे जनपद सदस्य जीत रहे हैं, 2 नगर पंचायतें 15-15 पार्षद निर्विरोध जीत गए भारतीय जनता पार्टी के, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहरा रहा है, डंका बज रहा है, विकास का डंका, लोगों की भलाई का डंका, आपकी जिंदगी बदलने का डंका। हाँ, एक बात जरूर कह देते हैं, कोई गुंडा हो, बदमाश हो, लकड़ी चोर हो, हिरण मारने वाला हो, मोर मारने वाला हो, ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और बेटी की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देख लिया तो बुलडोजर चलेंगे, घर जमी दोज कर दिए जाएंगे। गुंडे बदमाश नहीं बचने वाले भाई, अपन साफ साफ कह रहे, मध्य प्रदेश में रहो तो कायदे से बदमाशी करने वाला नहीं चलेगा। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए पंच से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार, और इसलिए आज आप सबसे निवेदन करने आया, माफिया राज नहीं चलेगा, दबंगई नहीं चलेगा। अभी नगरीय चुनाव में भी 2 नगर पंचायतें निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी की चुन के आई, कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुन के आए, 642 पंचायतें जहां भारतीय जनता पार्टी के पंच और सरपंच निर्विरोध जीते हैं, और अभी प्रथम चरण में जो जिला पंचायत जनपद के चुनाव हुए हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा शानदार सफलता प्राप्त की है। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है और विकास और जन कल्याण के कामों के कारण भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम देखा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। कब? अरे हम तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र, लेकिन आपके मुख्यमंत्री आगे कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना ले बीजेपी में, उसमें 50 तालाब गुना में बन रहे हैं, क्या कहना है आप बीजेपी में? ऑलरेडी ईडी पे बता दीजिए, राहुल गांधी को ईडी का जो नोटिस गया था उसके बाद में कहीं तो बताइए भाई साहब। मुख्यमंत्री महोदय, ऑलरेडी रणजी ट्रॉफी जीती है एमपी की टीम, क्या कहेंगे? सभी भाई क्या कर रहे हो? आराम से लगा दो। जी जी जी, आराम से, आराम से। हमारे बच्चे जीत गए जी, मध्य प्रदेश से कमाल कर दिया जी, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार जी मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है। बिग भाई आईडी नीचे। और कई बार की विजेता मुंबई को हरा के मध्य प्रदेश के बेटे ट्रॉफी लेके आ रहे हैं। मैं टीम के कोच श्री चंद्रकांत पंडित जी को, हमारे कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव जी को, आईडी नीचे, पूरी टीम को। अब इसी मैच में 3-3 शतक वीर हमारे पास जी, सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे मध्य प्रदेश में आनंद और उत्साह की लहर है। हमारे बच्चे जब ये ट्रॉफी लेके आएंगे तो मध्य प्रदेश में उनका भव्य स्वागत होगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा, पुरस्कृत करेंगे, बधाइयां देंगे। अब खेलों में भी मध्य प्रदेश नया इतिहास रच रहा है। एक बार फिर मैं पूरी मध्य प्रदेश की टीम को, सभी बहुत अच्छा खेले, केवल बैट्समैन नहीं बॉलर भी,
बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। शीतलवाड़ के मामले में आप क्या बताएंगे, जिस प्रकार की आपका साथ मेरा प्रयास, करेंगे वार्ड का विकास। गुना नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 33 से पार्षद पद के लिए कर्मठ युवा, कार्य के प्रति लगनशील, सेवा भावी, शिक्षित महिला निर्दलीय प्रत्याशी रचना कलावत को चुनाव चिन्ह कोर्ट के सामने वाला बटन दबाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अपने वार्ड का संपूर्ण विकास के लिए रचना कलावत को विजयी बनाएं। निवेदन, समस्त वार्ड वासी, वार्ड क्रमांक 33, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने।